मनोज कुमार। होली के शुभ अवसर पर ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। आलमे इस्लाम के यानी इंसानियत के पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद अली खान, जिन्होंने सेक्युलरिज्म की स्थापना की थी और धर्म निरपेक्षता का सबक दिया था सबको। खाने काबा जहाँ लोग हज करने जाते हैं उसके अंदर उनका जन्म हुआ। इसी के उपलक्ष्य में आज मुस्लिम समुदाय के लोग यह पर्व मनाते हैं और इसी के साथ आज एक जुलूस भी निकाली गई जो इमाम दरगाह दोसीपुरा से निकलकर टाउन हॉल दानमंडी होते हुए लल्लापुरा होते हुए दरगाह ए फातमान ले जाया गया। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। मेरा नाम मौलवी गुलजार अली ख़ान, मैं दोसीपुरा से ताल्लुक़ रखता हूं और मैं किस तरह का जुलूस आपको निकालना है? ये आज आलम इस्लाम के क्या इंसानियत के पहले इंसान जिन्होंने सेकुलरिज्म के लिए स्थापना की और धर्म निरपेक्षता की सबक दिया सबको और ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन वज़ीर और ख़लीफ़ा पहले हुए और ये आज खाने काबा जहां लोग हज करने जाते हैं उसके अंदर आज उनका जन्म हुआ, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये आज पर्व मनाते हैं। कहां से जुलूस उठा है और कहां तक जाएगा ये जुलूस? इमाम बारगाह दोसीपुरा से बरामद हुआ है, निकला है और ये टाउन हॉल होते हुए डालमंडी होते हुए लल्लापुरा होते हुए दरगाह फातमान जाएगा और वहीं पे प्रोग्राम होगा जिसमें तमाम धर्म के गुरु लोग आए हैं और वो लोग हज़रत अली के ऊपर अपना अपना जो है वो पेश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कल त्यौहार भी है, होली भी है, अब क्या कहना चाहेंगे समस्त भारतवासियों को? समस्त भारतवासियों को मैं होली की सबसे पहले शुभकामना दूंगा, उनको होली मुबारक हो और ये मौला अली का जन्म दिवस हम सबको मुबारक हो और तमाम आलम इंसानियत को मुबारक हो और हर्षोल्लास के साथ अमन सुकून के साथ मैं यही गुजारिश करूंगा अपने हिंदुस्तानी भाइयों से कि होली को भी
खूब हर्षोल्लास के साथ हम लोग शांति के साथ मनाएं। और इसी तरह जो पैगाम मौला अली ने दिया है कि तमाम धर्मों को उन्होंने बराबर से समझा, किसी को कोई पर जोर नहीं है, सब अपनी अपनी धर्म और अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म को मनाएं और अपनी अपनी खुशी को जाहिर करें।